मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। गुरुवार को करें नारियल और कपूर का ये उपाय, विष्णु भगवान की कृपा से मिलेगा अपार धन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जब भी लोगों को धन से जुड़ी कोई समस्या आती है तो वो अपनी किस्मत को दोष देने लगता है। एक तरह से आपके भाग्य का और घर में धन के आने का संबंध भी होता है। बुरा भाग्य एक ऐसी चीज है जो हमारे सभी कामों को बिगाड़ देता है, फिर चाहे वो धन की कमी का ही होना क्यों ना हो। ऐसे में आपको थोड़ी किस्मत के साथ की जरूरत होती है, ताकि आपकी मेहनत और भाग्य का तालमेल आपस में बैठ सके। यदि आप अपने खराब किस्मत से परेशान हैं, तो चिंता ना करें। आज हम आपको धन वृद्धि और भाग्य चमकाने का एक सटीक उपाय बताने जा रहे हैं। आमतौर पर धन संबंधित समस्याओं का समाधान माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करके किया जाता है। हालांकि बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, आप भगवान विष्णु की आराधना करके भी अपनी तिजोरी में रखा पैसा बढ़ा सकते हैं। इस काम को सफल बनाने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। यह उपाय गुरुवार के दिन करें। गुरुवार भगवान विष्णु का दिन होता है, इसलिए इसका लाभ बहुत जल्दी मिलता है। इस उपाय में मुख्य रूप से तीन चीजों का इस्तेमाल होगा। पहला नारियल, दूसरा कपूर और तीसरा एक रुपए का सिक्का। सर्वप्रथम आप गुरुवार के दिन सुबह जल्दी स्नान कर तैयार हो जाइए। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने एक नारियल फोड़ें। इसे इस प्रकार तोड़ें, इसका बाहर का छिलका साबुत ही बना रहे, ये आधा नारियल भी चल जाएगा। अब सावधानी पूर्वक इसके अंदर का खोपरा निकाल लें और सख्त छिलका साबुत ही अलग कर लें। निकाले गए खोपरे को भगवान विष्णु की चरणों में प्रसाद स्वरूप रख दें। जो नारियल का छिलका आपने रखा है, उसके अंदर कपूर के कुछ टुकड़े रखें। इस नारियल के सख्त छिलके का इस्तेमाल हम दीपक के रूप में करेंगे। इसके अंदर आप कपूर रखकर जलाइए और भगवान विष्णु की आरती करें। इस नारियल के अंदर ही आपको एक रुपए का सिक्का भी डालना होगा, अर्थात आधे फूटे नारियल की कटोरी में आप पहले सिक्का डालेंगे और फिर कपूर जलाकर विष्णु भगवान की आरती करेंगे। यदि कपूर गर्म लगे तो इसे थाली के ऊपर रखकर भी आरती की जा सकती है। कपूर आरती के बीच में खत्म हो जाए तो उसमें थोड़े और डाल दें। आरती समाप्त होने पर ये नारियल भगवान विष्णु के सामने रख दें। इसे आप अपने आप ही ठंडा होने दें। साथ ही भगवान विष्णु के सामने माथा टेक अपनी इच्छा प्रकट करें, उन्हें अपनी धन से जुड़ी समस्याएं बताएं। दोस्तों, इस उपाय के दौरान अपनी और घर की सुरक्षा का भी ध्यान दें। कुछ भी गर्म चीज सीधा हाथ में ना लें और ज्वलनशील चीजों से इन्हें दूर रखें। अब अगले दिन उस नारियल के छिलके में रखा सिक्का निकाल लें और उसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। अब लक्ष्मी माँ की आरती करें और इस सिक्के को तिजोरी में रख दें। कपूर और नारियल के संपर्क में आने से इस सिक्के में ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, अतः इसे तिजोरी में रखने से फायदा मिलता है। इससे आपके पैसों का वास्तु दोष भी खत्म होता है और माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। दोस्तों, आज हमने आपको बताया नारियल और कपूर का उपाय, जिसे अपनाने से विष्णु भगवान की कृपा से मिलेगा अपार धन। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।